हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से नेटफ्लिक्स की हाल फिलहाल रिलीज हुई मच अवेटेड फिल्म। बात कर रहे हैं दी ग्रे मैन को लेकर। लीडिंग में आपको नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट रोल्स में रियान गोसलिन, धनुष और क्रिस इवांस। डायरेक्शन दिए फिल्म को एंथनी रूसो ने। अब बात करूं मैं फिल्म को लेकर, तो फिल्म प्रीमियर कर चुकी है जाने माने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, न जाने कितनी भाषाओं में, चाहे वो तमिल हो या तेलुगु या हिंदी या इंग्लिश, न जाने और कितनी। अब ऐसे में बात किया है फिल्म को लेकर, तो उसका बजट जो निकल के आ रहा है वो है तकरीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि होता है तकरीबन इंडियन करेंसी में 1500 करोड़ प्लस, आप कह सकते हो 1600 करोड़, क्योंकि अब जो डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है इंडियन करेंसी में। वहीं अगर बात की जाए इसके कलेक्शन को की और कि फिल्म कितना कलेक्शन कर पा रही है, तो रिपोर्ट्स की माने तो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एवरेज प्लस रेटिंग जा रही है, तो चांसेस हैं कि फिल्म आसानी से पहले दिन 70 से 80 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रेटिंग होगी। वेल, आपकी ओपिनियन क्या है द ग्रे मैन को लेकर? क्या आप भी इस फिल्म को देख रहे हो? आपकी ओपिनियन जो भी हो फिल्म को लेकर आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। वहीं कलेक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल इसको जो रिस्पांस मिल रहा है वो है मिक्स टू पॉजिटिव, जहाँ पर आप कह सकते हो इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा, और जो व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 8 से 9 मिलियन के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो कलेक्शन आएगा इसका वो इसी रेंज में आएगा कि 80-90 करोड़ ये फिल्म कमा चुकी होगी। पर आपकी ओपिनियन क्या है, आपके हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन OTT यानी कि नेटफ्लिक्स से कितना कलेक्शन कर पा रही है? आपकी जो भी हो रहा है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और आपने द ग्रे मैन देखी तो आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।